हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपने साहो मूवी देखी? कैसी लगी आपको? सो या फिर वेरी गुड? क्या आप भी मूवीज को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ गुड या सो जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं? तब तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वर्ड्स फ्रेजेस जिनका यूज आप मूवीज को डिस्क्राइब करने के लिए और उसका रिव्यू देने के लिए कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप इंग्लिश में हाउ वाज द मूवी का आंसर 3 से 4 सेंटेंसेस में कैसे दे सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, माय नेम इज त्रिलेखा एंड यू आर वॉचिंग लॉटलर्न। तो पहले सीखते हैं कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वाज द मूवी का आंसर इंग्लिश में कैसे दें। कभी कभी हम बहुत कॉमेडी मूवी देखकर आते हैं और इसी तरह की मूवीज जो जिसमें बहुत कुछ हंसने वाला होता है, फनी होती हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव्स हिलेरियस और कह सकते हैं आई फाउंड द मूवी सो हिलेरियस, मुझे मूवी बहुत फनी लगी। कुछ एक मूवीज देखने के बाद हम उनके बारे में सोचने पर विवश हो जाते हैं। उनका सब्जेक्ट ऐसा होता है कि हम काफ़ी दिनों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसी ही मूवीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड थॉट प्रोवोकिंग। द सब्जेक्ट ऑफ द मूवी वॉज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। एंड गेम या फिर हॉलीवुड की मूवीज़ जिनमें काफ़ी अच्छे स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसी मूवीज़ को आप इनक्रेडिबल एडजेक्टिव से डिस्क्राइब कर सकते हैं और कह सकते हैं द विजुअल्स एंड द स्पेशल इफेक्ट ऑफ द मूवी वर इनक्रेडिबल। इंग्लिश मूवीज देखते समय अगर सबटाइटल्स होते हैं तब तो हमें मूवी आसानी से समझ आ जाती है, मगर अगर सबटाइटल्स ना हो तब कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है उनके डायलॉग समझने में, क्योंकि एक्सेंट काफ़ी हैवी हो जाता है। तब आप कह सकते हैं I have a hard time understanding the dialogues without subtitles. Subtitles के बिना मुझे डायलॉग समझने में परेशानी हुई। वेब सीरीज तो आप सब देखते होंगे और जिसने भी सेक्रेट गेम्स 2 देखी है वो इस आगे आने वाले सेंटेंस से अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएगा। The completely implausible twist at the end ruined it. Implausible का मीनिंग होता है अविश्वसनीय। Incredible का मीनिंग भी अविश्वसनीय ही होता है, बट Incredible का यूज़ हम थोड़ा पॉजिटिव वे में करते हैं और Implausible का वर्ड यूज़ हम थोड़ा नेगेटिव वे में करते हैं। सेक्रेट गेम्स 2 देखने के बाद ये समझ ही नहीं आया कि इसका एंड हुआ या सीजन 3 बनेगा। आई फेल्ट आई वेस्टेड माई टाइम। ओके, सो ये थे कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा हाउ वॉज द मूवी, तो मैं किस तरह से आंसर दूंगी ये मैं आपको बताती हूँ, फिर आप अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। यू नो व्हेन यू नो द स्टोरी बिफोर हैंड यू काइंड ऑफ लूज क्यूरियोसिटी, सो इट डिड नॉट मेक एनी सेंस टू मी। द स्पेशल इफेक्ट्स एंड द एक्शन सीन्स वर इनक्रेडिबल बट द मूवी वॉज ओवरबोर्ड विद द सॉन्ग्स। द कम्प्लीटली इम्प्लॉजिबल ट्विस्ट एट द एंड ruined it. So that's how I'm going to describe a movie. अब अगर आप किसी को impress करना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है। इन्हीं वर्ड्स इन्हीं फ्रेजेस को यूज करके आप 4 to 5 लाइन्स के 2 या 3 आंसर तैयार कर लीजिए हर तरह की मूवी के लिए और उसे लर्न कर लीजिए। 1 या 2 बार जब उसे कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे फिर वो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। That's it for today. If you like this video, do let me know through your comments. And if you are new to my channel, do not forget to subscribe to my channel and give it a thumbs up if you like it.